हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑन आर यूट्यूब चैनल सक्सेस कैप्सूल इस वीडियो में हम लोग जुलाई टू थाउजेंड के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू सी बेस्ड क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट एनालाइज फैक्ट बताना चाहती हूँ कि जितने भी ऑलमोस्ट कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में जितना भी ट्रेडिशनल का पोर्शन होता है कहीं ना कहीं वो सारे क्वेश्चन भी करंट इवेंट्स पर ही बेस्ड होते हैं उस पर्टिकुलर ईयर के कितनी बार होता है कि कोई आ, कोई डैम बना होता है तो या किसी जगह कोई कोई नई साइट लॉन्च हुई होती है तो वो सारे ज्योग्राफी का एस्पेक्ट बन जाता है किसी का एनिवर्सरी डेथ एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी या कुछ रिलेटेड कोई डिस्कशन कहीं कुछ चला होता है तो उससे रिलेटेड हिस्टोरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग अपने आने वाली क्लासेस में भी उन सारे फैक्ट्स को इंक्लूड करते हुए डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो सो लेट्स बिगेन आर क्लास फर्स्ट क्वेश्चन इज रफेल एयरक्राफ्ट विल ज्वाइन विद स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स भारत रक्षक गोल्डन एरोस फ्लाइंग लैंसर्स और अंकुश हमारा करेक्ट आंसर है गोल्डन एरोस जो कि स्क्वाड्रन है जितनी भी ऑप्शंस गिवन है इस क्वेश्चन में वो सारे ही एयरफोर्स की स्क्वाड्रंस हैं जो भारत रक्षक है दैट इज सिक्सटींथ दिस वन इज फिफ्टींथ एंड दिस वन इज द ट्वेंटी फर्स्ट हमें कुछ फैक्ट्स इससे रिलेटेड अपने दिमाग में रखने होंगे कि सबसे पहले हमने ये कौन सी कंट्री से लिए हैं तो हमने ये फ्रांस से लिए हैं ये डील कब साइन हुई थी 2016 सितंबर में और हमने 36 सिक्स रफेल्स की डील साइन की थी जिसमें कि अभी हमें फर्स्ट बैच मिला है फाइव का जिसमें कि थ्री सिंगल सीटर्स हैं इसमें थ्री सिंगल सीटर हैं और जो टू हैं दे आर द ट्विन सीटर प्लेन्स तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेल्थ अगस्त ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी सेकेंड और सिक्सटींथ मार्च आर करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी ऑफ जुलाई ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइगर कंजर्वेशन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन इसमें जो ऑप्शंस हैं दे आर आल्सो द डेजिग्नेटेड डेज जैसे कि जो ट्वेल्थ अगस्त है दैट इज द एलिफेंट डे ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके टाइगर डे ट्वेंटी सेकेंड सप्तम्बर इज द राइनो एंड दिक्सटीन मार्च इज द पांडा डे और आपको पता होना चाहिए कि जो राइनो है जो वन हॉर्न राइनो है वो असम की स्पेशलिटी है पर्टिकुलरली मानस की और इंडिया में टाइगर के सेवेंटी फाइव परसेंट राउंड अबाउट जो पॉपुलेशन है वो पाई जाती है और हमने ये जो इंटरनेशनल टाइगर डे है ये कब से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है टू थाउजेंड टेन से सेलिब्रेशन स्टार्ट की है सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुआ था रशिया में जब से कि हमने इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है द मनोधर्पण स्कीम हैज बीन लॉन्च फॉर अभी रिसेंटली ही मनोधर्पन स्कीम लॉन्च हुई है किस किस पे बेस्ड है ये जिकल वेलबींग बेस्ड है कोविड नाइन्टीन के चलते जैसे लॉकडाउन है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फैमिलीज वो जैसे टीचर्स वो सब लोग साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं इफेक्टिंग है तो उनके लिए एक हेल्पलाइन लॉन्च की है गवर्नमेंट ने और इसको लॉन्च किया है यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी कि इसको एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है और एचआरडी मिनिस्ट्री का नेम चेंज होके अब उस मिनिस्ट्री का नेम है एजुकेशन मिनिस्ट्री तो ये इस पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अगस्त के करंट अफेयर्स में भी हम लोग इस पे, इस पे इसको करेंगे. Is, तो ये भी इस ईयर की काफी बड़ी हाईलाइट रही तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आता है द करेक्ट ऑप्शन इज ए जो लॉकटस का जो जो लॉकट्स का जो इंडिया में जो अटैक हुआ वो मोस्टली वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में ही इफेक्टेड था वेस्टर्न और सेंट्रल इंडियन जो स्टेट्स हैं उनमें ही ज्यादा इफेक्टेड था वर्ल्ड में इसके जो टेन स्पीशीज पाए जाते हैं उसमें से फोर इंडिया में हर बार अटैक करते हैं जिसमें कि जो डेजर्ट लॉकस है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल क्रिएट करता है हर ईयर तो डेजर्ट लॉकस भी क्वेश्चन में आ सकता है ठीक है हो सकता है आपको कुछ स्टेट की ऑप्शन मिल जाए तो आपको अपने माइंड में रखना है कि केवल वेस्टर्न और सेंट्रल स्टेट्स ही इफेक्टेड हुई थी सर्दर्न या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इसका अटैक नहीं था नेक्स्ट क्वेश्चन इज की विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन कंट्री हैज बीन रिसेंटली गिवन द ऑब्जर्वर स्टेटस बाय डब्ल्यूटीओ तो इसका करेक्ट आंसर है तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान हैज बीन गिवन द ऑब्जर्वर स्टेटस बाय द डब्ल्यू जनरल काउंसिल अब इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जैसे कि तुर्कमेनिस्तान आप लोगों को पता होगा कि ये सेंट्रल एशियन कंट्री है दिस इज अ सेंट्रल एशियन कंट्री इसकी कैपिटल भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है क्योंकि नॉर्मली सबने सुनी नहीं होती अशगाबाद इसकी कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है दैट इज मनाथ अब हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन uh, डब्ल्यू पे करते हैं जैसे कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं तो इसके हेड क्वार्टर्स जीनीवा में है कब फॉर्म हुआ 1995 में इससे पहले ये क्या था ठीक है और इसको यूराग राउंड में फाइनल किया गया उस समय क्रिएट किया गया दैट्स इट यही इसके साथ रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको कि हम आगे फिर करंट अफेयर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये क्या है ये जितनी भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती हैं जैसे टिम्बर हो गया बैम्बू हो गया तो गवर्नमेंट ने उसके लिए ऑनलाइन एक सिस्टम खोल दिया जिससे कि क्या होता था कि जब बहुत सारी स्टेट से ये बाईपास करता है तो कुछ स्टेट्स कुछ प्रोडक्ट्स को अलाउ नहीं करते जिससे कि ट्राइबल पॉपुलेशन को काफी सारी दिक्कत आ रही थी इसलिए गवर्नमेंट ने नेशनल ने ट्रांसिट पास सिस्टम को लॉन्च किया है रिसेंटली इंडियन नेवी ने पैसेज एक्सरसाइज जिसको कि पैसिक भी कहते हैं किस कंट्री के साथ लॉन्च किया तो ये यूएस के साथ लॉन्च किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड के दौरान कहीं भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं कंडक्ट कराई गई लेकिन ये प्लान ड्रिल uh, कोई, कोई नहीं होता सडनली कोई अपॉर्चुनिटी अराइज होती है तब ऐसी कंडक्ट कराई जाती हैं इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हुई ये अंडेमान निकोबार में हुई अंडेमान निकोबार में इसलिए भी हुई क्योंकि चाइना के लिए भी वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से मलक्का स्ट्रेट की तरफ से उसके सारे ऑयल और बाकी सारी Uh, जो कॉम्यूनिटीज हैं वहाँ उसकी कंट्री में जाती हैं तो ये एक्चुअल में जो एल पे जो हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्रेंसेशन uh, चल रहा था उसी के लिए क्लियर मैसेज था कि वी आर फुली प्रिपेयर फॉर इट नेक्स्ट इज द हरेली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़ ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन ये ट्वेंटी ट्वेंटी जुलाई को सेलिब्रेट किया गया था ये ये फेस्टिवल सबसे पहले क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये ग्रीनरी और हार्वेस्ट के लिए सेलिब्रेट करते हैं उस स्टेट में और उसी दिन उस स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे गोदान न्याय योजना चालू की है गोदान न्याय योजना चालू की है तो ये भी इसी के साथ ही रिलेटेड एक फैक्ट है इस स्कीम के अंदर क्या हुआ कि गवर्नमेंट घर घर से जो काव डंग है ऐसे तो एक वेस्टेज जाता है लेकिन टू रुपीज के हिसाब से वो लोग के का टू रुपीज दे वो उसको परचेज करेंगे और उसको बायोगैस में कन्वर्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए एक इनकम भी जनरेट होगी और जो स्ट्रे एनिमल्स हैं गवर्नमेंट इसके थ्रू उनकी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती है जुलाई में जोरम मेगा फूड पार्क को लॉन्च किया गया कौन सी स्टेट में तो इसमें ऑलरेडी एक हिंट है जोरम मिजोरम है और ये मिजोरम का पहला मेघा फूड पार्क है और जितने भी फूड पार्क होते हैं उसको आप लोगों को पता ही होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो इसको लॉन्च करती है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स साइंड युवा इनिशिएटिव विद विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज द करेक्ट आंसर इज यूनिसेफ ये क्या है कि इसमें गवर्नमेंट ने आ, एक रिजॉल्व लिया है कि वो वन करोड़ यूथ वॉलंटियर्स को गैदर करेंगे टू अचीव द गोल्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत तो जो युवा है ये क्या है ये एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जिसको ही यूनिसेफ ने फॉर्म किया है जिससे कि एजुकेशन और लर्निंग को प्रोडक्टिव वर्क स्किलिंग में कन्वर्ट किया जाएगा रिसेंटली करेक्ट आंसर है सोनम शेयरिंग लैपचा। ये ये कौन थे लैपचा सबसे पहले एक ट्राइब है जो कि नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है और इनको प्यार से रॉन्ग लॉपॉन भी कॉमनली इनकी स्टेट में कहा जाता था इन्होंने अपनी स्लैपचा लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए बहुत बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और ये एक मोंगलाई ट्राइब है रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इसका करेक्ट आंसर है मोरेशियस और इंडिया ने इसको पोर्ट लुइस में लॉन्च किया है और इंडिया ऐसे भी वहाँ डॉलर थ्री मिलियन का इकोनॉमिक पैकेज दिया हुआ है फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स द फर्स्ट गवर्नमेंट रन इंटर स्टेट चॉपर सर्विस कौन सी स्टेट में चालू हुई है देहरादून टू गढ़वाल और ये उड़ान स्कीम के अंदर है उड़ान स्कीम क्या है उड़े देश का आम नागरिक जो कि गवर्नमेंट ने रीजनल कनेक्टिविटी के लिए लॉन्च किया हुआ है और इसमें पवन हंस लिमिटेड जो है उनके द्वारा ये चॉपर सर्विस स्टार्ट की गई है इन 2019 थाउजेंड नाइनटीन एट लीस्ट ट्वेंटी फोर लाइन्स डाइड गिर नेशनल पार्क बिकॉज ऑफ एन आउटब्रेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज द आंसर इज canine डिस्टेम्पर वायरस डिजीज 2019 में ये डिजीज काफी हाईलाइट में रही क्योंकि इससे 29 जो लॉयस थे उनकी डेथ हो चुकी थी और ये इतना इतना क्रूशियल इस ईयर इसलिए है क्योंकि इस साल गवर्नमेंट ने वहाँ फोर एम्बुलेंसेज लॉन्च की हैं केवल लॉयस की सेफ्टी के लिए ही और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यूँ है क्योंकि जो एशियाटिक लॉइन है वो सिर्फ हमारे वहाँ गिर और गिर गुजरात गिर जो कि गुजरात में है वही पाया जाता है वो एंडेमिक है उस जगह से और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये लिस्ट वन में आती है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू के अंदर विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिली आंसर इज़ आंध्रा प्रदेश आंध्रा प्रदेश में जो गंटूर है वो बहुत फेमस है चिली के लिए ये ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इस ईयर गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम अपनी पार्सल ट्रेन चलाई थी बांग्लादेश के लिए जिसमें कि उन्होंने आंध्र प्रदेश की इस जगह से वहां चिलीज भी भेजी कुछ टाटा के वहीकल्स भेजे तो इसलिए ये क्वेश्चन न्यूज में इस तरह से भी आ, आ सकता है गंगा मैया, तो पियरी ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भोजपुरी सिनेमा की फर्स्ट मूवी थी जो कि 1963 में रिलीज हुई थी तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भोजपुरी मूवी की पहली पहली जो भोजपुरी सिनेमा है उसकी पहली मूवी कौन सी थी तो ये बिहार पीसीएस में भी क्वेश्चन आ सकता है और नॉर्मली भी पूछा जा सकता है द हेडक्वार्टूरो ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज लोकेटेड एट ये न्यूज़ में है क्वेश्चन ये न्यू जो हेडक्वार्टर है वो न्यू डेली में सिचुएटेड है न्यूज में इसलिए क्योंकि इस बार इन्होंने अपनी मोबाइल ऐप निकाली है बी आई एस केयर जिससे कि आप ऑनलाइन भी किसी भी कॉम्यूडिटी का जो स्टैंडर्ड है वो चेक कर सकते हैं कि बी आई एस का मार्क है उस पर या नहीं है इंडिया बगैन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ थ्री हंड्रेड ईयर ओल्ड टेम्पल श्री श्री जो काली मतार टेम्पल लोकेटेड इन बांग्लादेश कोविड नाइन्टीन में हमारी बांग्लादेश के साथ भी बहुत सा बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें से ये भी एक है ये एटीन सेंचुरी का टेम्पल है जिसको कि हम लोग रेनोवेट कर रहे हैं और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है कि एटीन सेंचुरी में इसको रॉय ने बिल्ड किया था द फार्मर्स ऑफ दच रीजन इन गुजरात आर इन न्यूज़ फॉर कल्टीवेटिंग ड्रैगन फ्रूट तो ड्रैगन फ्रूट जो है सबसे पहले तो इंडिया में कहा उगाया जा रहा है कच्छ रीजन में आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये किस कंट्री से नेटिव है कि कहाँ कहाँ इस, इसकी सबसे पहले पैदावार शुरू हुई है द आंसर इज साउथ अमेरिका और ड्रैगन फ्रूट से रिलेटेड एक और फैक्ट है ये भी पूछा जा सकता है कौन से विटामिन में रिच है तो विटामिन सी में तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है स्कर्वी द यूनियन गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डेवलपिंग रेवाइंस इन ग्वालियर चंबल बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश द आंसर इज वर्ल्ड बैंक इससे रिलेटेड बहुत सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बन सकते हैं ये जो जगह है इसको हिंदी में बीहड़ का इलाका भी कहते हैं और इसको ज्योग्राफी में बैड लैंड टोपोग्राफी कहा जाता है ये इंडिया में बैड लैंड टोपोग्राफी की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है रिवाइंस क्या होता है कि जब रिवर की इरोजन से बहुत बड़े बड़े गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं वहाँ पंद्रह से बीस फीट के गहरे गड्ढे हैं जिससे क्या होता है कि जितनी भी फर्टाइल अलूबियल सॉयल है वो सब तो ऐसे ही चली गई तो वो जो इलाका है वो फिर फर्ट फर्टाइल नहीं रहता वहाँ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज नहीं होता तो वहाँ बहुत सारे ग्रासेस हो गए तो धीरे धीरे फिर आप लोगों ने बहुत मूवीज़ में भी सुना होगा कि वहाँ बहुत सारे डाकू थे ऑल दैट तो गवर्नमेंट अब उस एरिया को डेवलप करके उसको कल्टिवेशन के लाइक बनाना चाहती है विद द कोलेब्रेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक और ये जो एरिया है इसमें रिवर चंबल फ्लो करती है उसकी बहुत सारी टेबरीज फ्लो करती हैं और चंबल एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए भी फेमस है दैट इज़ घड़ियाल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हैज़ एस्टैब्लिश वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लैब इन गुजरात ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट जो 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 नेशनल बी बोर्ड है हमारा बी बोर्ड है जो हमारा वो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया हुआ है गवर्नमेंट ऐसे भी हनी की कल्टीवेशन को प्रमोट कर रही है और जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है इसका नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन के साथ इंडिया में जोड़ा जाता है विच इज़ वाइट रेवोल्यूशन जो कि दूध के उत्पाद से जुड़ा हुआ है जिसको कि 1970 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था

एक्ट 2019 है ये उसी के अंदर आता है इसके बारे में भी हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये इसी साल पास आउट हुआ है ट्वेंटी जुलाई को ये उसी का पार्ट है इसके अंदर रिटर्न रिफंड एक्सचेंज वारंटी गारंटी डिलीवरी शिपमेंट मोड ऑफ पेमेंट इन सारी चीजों को ई टेलर को बताना होगा इवन कि उसको उसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन भी बतानी होगी कि जो प्रोडक्ट है वो कहाँ का है ताकि वो किसी भी तरह से कस्टमर को बेवकूफ ना बना सके उसको अपना प्राइस पहले कोट करके एग्जैक्ट बताना होगा एज पर द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन रूल्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 देयर विल बी नो फी फॉर फाइलिंग केसेस अप केसेज अपाइव लैख और ये क्या है कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही फिर से आता है जिसको मैं आपको बताई कि ट्वेंटी जुलाई को पास आउट हुआ है द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इसका आंसर है सी द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन ये भी उसी के अंडर ही आता है ये सेक्शन टेन के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ऑफ़ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन इसका परपज है प्रमोट प्रोटेक्ट एंड इनफोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर एज अ क्लास रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नर हैज बीन असाइंड एडिशनल चार्ज ऑफ बिच ऑफ द

वो फर्स्ट फीमेल सीएम है गुजरात की तो ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है गुजरात की फर्स्ट फीमेल सीएम कौन थी आनंदीबेन पटेल इस समय उनके पास एडिशनल चार्ज है गवर्नरशिप का इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव ऑफ नेशनल सोलर मिशन टू अचीव हंड्रेड गीगावाट ऑफ सोलर पारा टू थाउजेंड द इंडियन नेवी हैज बिटवीन मे जुलाई इंस्टॉल लार्ज सोलर पार प्लांट्स एट पिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स तो इसका आंसर क्या है आई एन एस नेवल अकेडमी इजीमला नेवल स्टेशन करंजा रंजा आइनस कलिंगा तो इसका आंसर में डी ऑप्शन है तीनों में ही इस्टेब्लिश किया गया है जो पहले जो पहला है उसमें थ्री मेगावाट है और बाकी में टू मेगावाट का प्लांट लगाया गया है एंड जो आ, करंजा है इट इज़ इन महाराष्ट्र रिसेंटली ककरा पार अटोमिक पार प्लांट न्यूज़ में था फॉर अचीविंग क्रिटिकलिटी तो सबसे पहले लोकेटेड कहाँ है ये ताप

तो वो फिशन से वर्क करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में रिलीज करता है जिससे की ऑनगोइन ऑनगोइंग जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू रहे तो तब कहते हैं कि उस प्लांट ने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है इंडिया फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है वो कहाँ इनग्रेट किया गया है तो वो न्यू डेली में इनोग्रेट किया गया है रिसेंटली और इससे गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है गवर्नमेंट ई मोबिलिटी को बढ़ाना चाहती है जिसके लिए कि ये इनिशिएटिव लिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मिडल ईस्ट कंट्री लॉन्च होप स्पेस क्राफ्ट इज फर्स्ट मिशन टू मार्स ये क्वेश्चन बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि मिडल ईस्ट में पहली ऐसी कंट्री हुई है जिसने अपना स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है मार्स के लिए दैट इज यू और इससे रिलेटेड और फैक्ट्स ये हैं कि इनका प्लान ये है कि ये लोग टू वन वन सेवन तक मार्स में ह्यूमन सेटलमेंट को आ, के बारे में सोच रहे हैं और इन्होंने ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये जापान से लॉन्च किया था सदर्न जापान से टेनिगिश्मा स्पेस सेंटर से इफ यू पीपल नीड द स्पैलिंग स्पेस सेंटर जापान से उन्होंने लॉन्च किया था इससे रिलेटेड एक फैक्ट सितंबर का भी है सितंबर 2019 का सितंबर 2019 में पहली बार कोई अमृति जो सिटीजन है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे उनका नाम था हजा अल मंसूरी तो ये लेटेस्ट अपडेट है कुरमा इज अ मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन एम्ड एट कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स और इसको लॉन्च किस दिन किया गया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको लॉन्च मे 23 2020 में किया गया था लेकिन ये जुलाई में भी डिस्कशंस में था और इस दिन वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है वर्ल्ड वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन और इस दिन इस ऐप को लॉन्च किया गया था ये एक डिजिटल डाटा बेस्ड है जो कि ट्वेंटी नाइन स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल और टॉर्टॉय जो इंडिया में पाए जाते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा देहांग पाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है ये है असम में और ये इसलिए भी न्यूज में थी कि आ, इसमें कोल माइनिंग एक्टिविटीज चल रही हैं दो की एक्टिविटीज तो 1973 से चल रही हैं कोल इंडिया लिमिटेड की कोई सब्सिडरी है जो वहाँ पे कोल माइनिंग कर रही थी लेकिन अब वो ज्यादा वर्स सिचुएशन होने के कारण गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है वहाँ पे पीआईएल फाइल हुआ है इसके चलते ये न्यूज में था असम में ऑलरेडी फाइव नेशनल पार्क हैं असम में फाइव नेशनल पार्क हैं और इसका भी स्टेटस अपग्रेड करने की बात की जा रही है जिसके बाद कि ये छे हो जाएंगे और ये इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है कि ये लार्जेस्ट लो लैंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इंडिया का ये काफी इम्पोर्टेंट जगह है न्यूज में एक साल से लगातार बनी हुई है कोल माइनिंग के चलते लेकिन इसको नेशनल पार्क का स्टेटस देने की बात चल रही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नॉट कनेक्टेड टू द रेल नेटवर्क तो इनमें से कौन सी स्टेट की कैपिटल अभी तक रेल के साथ कनेक्टेड नहीं है सिक्किम ये इसलिए भी न्यूज में है क्योंकि इंडियन रेलवेज ने टारगेट किया हुआ है कि टू जीरो टू थ्री तक जितनी भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल्स को रेल कनेक्टिविटी मिलेगी फिलहाल के लिए जो असम, त्रिपुरा अरुणाचल हैं वो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। लेकिन जो मणिपुर हो गया मिजोरम मणिपुर, मिजोरम नागालैंड और मेघालय इन स्टे, इन स्टेट्स में कनेक्टिविटी है लेकिन इनकी जो कैपिटल्स हैं वो कनेक्टेड नहीं है और सिक्किम की भी नहीं है तो रेल इस पे फोकस कर रहा है द ईयर 2020 मार्क्स द 185th डेथ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर यूthroth सिंह सैम ही बिलोंग्स टू मेघालय ये उनकी 185th डेथ एनिवर्सरी थी इस साल गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नॉर्थ ईस्ट को काफी ज्यादा फोकस कर रही है इसलिए नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड अगर कोई इवेंट न्यूज़ में है तो वो क्वेश्चन में एक्सपेक्ट की जा सकती है और ये पहले खासी रूलर थे जिन्होंने जो कि ब्रिटिश एम्पायर के साथ लड़ाई किए थे रिबेल किए थे मीन टू से रिसेंटली फर्स्ट ट्रेलर कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता थ्रू शटाग्राम पोर्ट ऑफ बांग्लादेश वॉज सेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग देशन तो आंसर है अगरतला आगे क्या था कि नॉर्थ ईस्ट की इन स्टेट्स के लिए पहुँचने के लिए एक तो रेल कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम है दूसरा बहुत सारे दिन लग जाते थे तो गवर्नमेंट ने इसमें बांग्लादेश को इन्वॉल्व किया है अब उन्होंने क्या किया कि जो कंटेनर चलाया था वो सीधा कोलकाता से इस पोर्ट में जाएगा उस पोर्ट से आगे बांग्लादेश के जो ट्रक्स हैं वो उसको अगरतला तक पहुंचा देंगे तो उन्होंने पहले कंटेनर को ट्राई करके भी देखा जिसमें उन्होंने स्टील बार्स और कुछ भेजी अगरतला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टडी कमेटी फॉर री ऑर्गेनाइजिंग द एग्जिस्टिंग थर्टीन डिस्ट्रिक्ट इन टू ट्वेंटी फाइव डिस्ट्रिक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश ने के बाद ये बाइफर्क्यन सोची हैं और ये किस बेसिस पे हैं ये पार्लियामेंट्री ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिटेंसिस के बेसिस पे है वहाँ ऑलरेडी ट्वेंटी उसी बेसिस पे बनाना चाहते हैं द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया गिव अप्रूवल फॉर फर्स्ट इंडिजीनियसली डिवेल्प वैक्सीन इन द फील्ड ऑफ निमोनिया तो इसको किसने बनाया है इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है ई हैंड राइटिंग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो पुणे में लोकेटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट से इन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया जून टू थाउजेंड ट्वेंटी में नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ था सिक्योरिटी काउंसिल का फॉर द टर्म ऑफ 2021 एंड 22 तो उनके इस इलेक्शन के बाद आ, हमारे इंडियन पीएम ने फर्स्ट टाइम इसको एड्रेस किया था वहाँ के यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को तो इसलिए ये इवेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसका जो फर्स्ट सेशन था जब ये नाइनटीन में इसका फर्स्ट सेशन हुआ था तब भी इसको इसकी जो प्रेजिडेंसी थी वो एक इंडियन के पास थी उनका नाम था रामा स्वामी तो ये भी इससे रिलेटेड एक फैक्ट है और इसका थीम क्या था इसका थीम इस ईयर था मल्टी आफ्टर कोविड नाइनटीन काइंड ऑफ यू एन डू वी नीड एट द दिफ्त एनिवर्सरी तो एटलीस्ट uh, अगर इसका थीम पूछा जाता है तो आप लोग इस लास्ट लाइन को माइंड में रख सकते हैं कि ये इसमें भी सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी का जिक्र है विच यूएस टेक्नोलॉजी बिलियन फॉर इंडियन डिजिटाइजेशन फंड द आंसर इज गूगल तो गूगल हमारे इंडियन फंड में टेन बिलियन रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कानपुर है उन्होंने शुद्ध नाम की एक डिवाइस जारी की थी जो कि एक सैनिटाइजेशन डिवाइस थी और काफी ज्यादा न्यूज में रही तो इस इसपे क्वेश्चन आ सकता है कि शुद्ध क्या था तो शुद्ध स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रा वायलेट डिस हेल्पर इसको कहा गया है ये अल्ट्रा वायल्ट बेस थी इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट्स लगी हुई थी और ये हॉस्पिटल्स होटल्स इन सब इन सब को डिसइंफेक्ट करने के लिए लॉन्च की गई थी रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड रॉयल फैमिली मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू श्री पदना स्वामी टेम्पल ये टेम्पल ऑलरेडी भी न्यूज में काफी देर रहा जब यहाँ बहुत सारी ट्रेजरी मिली थी इसके कुछ वॉल्ड अभी भी नहीं खुले हुए तो इसका काफी देर से केस चल रहा था जिसपे भी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी है कि जो वहाँ की रॉयल फैमिली है उन्हीं के पास ही इसकी मैनेजमेंट की ड्यूटी रहेगी उस मैनेजमेंट में एक्चुअली जो वहां अंदर जो अंदर मेन मूर्ति है जो जो आइडल है 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 उसकी मैनेजमेंट वो कौर की फैमिली करती है। क्योंकि वहां एक बार आग लगने के बाद 1686 में उस मूर्ति को दोबारा री इंस्टॉल इन्हीं के किंग मार्टन वर्मा ने किया था तो ये हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसके बाद से लगातार जो शैबियत है वहाँ की वो इन्हीं लोगों के पास है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी के भी डेथ हो जाने के हो जाने से किसी भी रूलर से वो जो उनकी फैमिली राइट right है वो ट्रांसफर नहीं होगा उन्हीं के पास रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग है डिसाइडेड टू बैन कमर्शियल इम्पोर्ट एंड द सेल ऑफ डॉग एंड डॉग मेट इन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बहुत सारी पिक्चर्स रिवॉल्व हुई थी जिसमें कि बहुत सारे डॉग्स को दिखाया गया था नागालैंड की मीट मार्केट्स में तो बहुत सारे जो एनिमल प्रोटेक्शन वाले हैं उन्होंने फोर्स किया उस गवर्नमेंट को और उन्होंने सेल लगाई सेल को बैन कर दिया इसकी और इसी से रिलेटेड फैक्ट है कि ऐसा सेम चीज़ मिजोरम ने भी की थी 2020 में इन मार्च तो ऐसा नहीं कि नागालैंड फर्स्ट था मार्च में मार्च 2020 में मिजोरम ऑलरेडी बैन लगा चुका था लेकिन फिर जुलाई में नागालैंड ने भी कंप्लीट बैन लगाया रिसेंटली आविद बिन हसैन जामी पास्ट अवे इन जुलाई 2020 वो कौन थे वो एक कार्टूनिस्ट थे गुजरात से इसलिए भी न्यूज़ में थे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्रिब्यूट दिया था उनको और वो गुजराती मैगजीन था अभियान जिसके साथ पिछली काफ़ी देर से जुड़े हुए थे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है रिकॉर्ड फॉर बींग दर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे तो नेचुरली हम लोग इंडिया और इंडिया इंडिया ने रिकॉर्ड सेट किया है और इंडिया में इस सेंसस में पता चला कि इंडिया में टू नाइन सिक्स सेवन टाइगर्स हैं ये नंबर आपको याद रखना है क्योंकि ये नंबर आपसे पूछा जा सकता है और इंडिया में राउंड अबाउट जितने भी वर्ल्ड में टाइगर पॉपुलेशन है उसकी सेवेंटी फाइव परसेंट ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है ऑफ द द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ऑर्गेनाइज ई लोक अदालत द आंसर इज छत्तीसगढ़ कोविड नाइनटीन सिचुएशन को डील करने के लिए छत्तीसगढ़ ने ई लोक अदालत अरेंज की थी और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हमारे कंट्री में कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया गया हो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जुलाई इलेवेंथ को मनाया जाता है और इस साल इसका थीम था हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स हाउ टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स नाउ अमिड द पेंडेमिक हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर तो इसका आंसर है ली सेन लोंग ये इसलिए इम्पॉर्टेंट में है क्योंकि फोर्थ टाइम लगातार जब से ये कंट्री में इन पहले इनके फादर थे उनके बाद से लगातार फोर्थ टाइम यही इलेक्ट हुए हैं और इस बार वहाँ इस चीज़ को लेके काफी न्यूज़ में था कि शायद काफ़ी करप्ट प्रैक्टिस को यूज किया गया है और ये पीपल्स एक्शन पार्टी को बिलोंग करते हैं ये इसलिए पार्टी का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सर्विंग ये तीसरी पार्टी है पहले चाइना का नाम आता है उसके बाद नॉर्थ कोरिया का आता है और उसके बाद पीपल्स एक्शन पार्टी का आता है रिसेंटली एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट वॉज इनोगेटेड इन मध्य प्रदेश रेवा में मध्य प्रदेश में ये लॉन्च हुआ है जिसमें कि तीन सोलर प्लांट हैं 250 फिफ्टी मेगावाट ईच के तो जो टोटल है वो 750 फिफ्टी मेगावाट होता है लेकिन ये न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि इसमें दो फर्स्ट अटैच हैं पहला फर्स्ट ये है कि ये पहला है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने जिसको फाइनेंस किया है कोई भी वर्ल्ड कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जिसमें वर्ल्ड बैंक ने क्लीन मतलब इसमें पैसा लगाया हो लेकिन ये फर्स्ट था जिसमें वर्ल्ड बैंक ने इन्वेस्ट किया सेकंड ये पहला है जिसमें कि स्टेट के बाहर भी किसी इंस्टीट्यूशनल कस्टमर को आ, जो सोलर पावर प्लांट है वो इलेक्ट्रिसिटी देगा तो वो डेली मेट्रो को इलेक्ट्रिसिटी देगा यमा वत्सनी जो बटरफ्लाई है वो सिक्सटी वन ईयर्स के बाद स्पॉट की गई इनमें से कौन सी स्टेट में द आंसर इज त्रिपुरा कई बार जो ऐसे क्वेश्चंस हैं वो भी एग्जाम्स में जनरली पूछ लिए जाते हैं ये वहां के जामपुरी हिल्स में पाई गई इवन कि एक बार यूपीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया तो आंसर उस समय महाराष्ट्र था तो सच क्वेश्चन आर कॉमन इन मैनी एग्जाम्स द आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर्स मैपिंग पोर्टल असीम पोर्टल जो है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है तो स्किल से रिलेटेड है तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ही इसको लॉन्च किया है और इसका मोटिव ये है कि जितने भी स्किल्ड लोग हैं उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को देना है गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 108 वॉल्यूम प्रिंट करने की बात की है मंगोलियन कंजूर की तो ये क्या है तो ये एक बुद्धिस्ट क्रॉनिकल है और गवर्नमेंट इसको लॉन्च कर रही है हमारे नेशनल मनुस्क्रिप्ट जो हमारा नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट है उसके अंदर ये मिशन 2003 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और ये बुक मंगोलियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रखती है इवन की जो यहाँ भी जो लोग बुद्धिस्ट हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी इसीलिए प्रेसिडेंट ने गुरु पूर्णिमा वाले दिन जो कि उनका धर्म चक्र डे होता है उस दिन अनाउंस किया था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर इन न्यूज फॉर एलिमिनेटिंग बोथ मीजल्स एंड रोबेला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रीलंका और मालदीव ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ने सॉरी गवर्नमेंट ने बोल दिया क्योंकि डब्ल्यू ने टारगेट सेट किया था कि 2023 तक वो इन दोनों डिजीजेस को एलिमिनेट करेंगे और इसका जो साउथ ईस्ट रीजन है साउथ ईस्ट एशिया रीजन जो है डब्ल्यू एच ओ का उसमें ये पहली दो कंट्रीज आई हैं जिन्होंने इन दोनों डिजीज को एलिमिनेट किया है अभी तक केवल भूटान ईस्ट तैम और, और नॉर्थ कोरिया ही तीन कंट्रीज हैं जिन्होंने की मीजल्स को एलिमिनेट किया है इन्होंने मीजल्स को एलिमिनेट किया है लेकिन रोबेला को नहीं किया है इंडिया ने अभी इस टारगेट को अचीव नहीं किया है कौन सी स्टेट ने मिशन विरक्ष वृक्ष रोपण टू में कुकरेल फॉरेस्ट में लॉन्च किया तो ये क्वेश्चन में कुकरेल फॉरेस्ट का नाम आया है तो आप लोगों को ये फैक्ट भी याद रखना होगा ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जिसके अंदर उन्होंने 25 करोड़ सैपलिंग्स लगाई थी और उन्होंने कहा था कि वो उसका ट्रैक भी रखेंगे जिसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं रिसेंटली सरोज खान पास अवे वो कौन थी तो वो एक कोरियोग्राफर थी अराउंड अबाउट टू थाउजेंड सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी की थी उन्होंने काफी फेमस पर्सनैलिटी थी सो

कोविड नाइन्टीन सिचुएशन से जूझने के लिए तो उसमें दो जो हैं उनमें से आ, आ, दो जो बहुत फेमस थे वो इंडिया दो इंडियंस थे उसमें जिसमें एक ये थे सिद्धार्थ मुखर्जी और दूसरे थे राज शेट्टी लेकिन सिद्धार्थ मुखर्जी ऑलरेडी काफी बार न्यूज में आ चुके हैं क्योंकि वो पुलतीजर प्राइज जीत चुके हैं और पुलतीजर प्राइज किस के लिए दिया जाता है वो फिक्शन में दिया जाता है और फिक्शन में फिफ्टीन कैटेगरीज में लिस्ट होता है और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट कि जो 2020 का जो प्राइज था उसमें तीन इंडियंस विनर थे जिनके नाम थे दर यासेन मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद इनको फोटोग्राफी की कैटेगरी में अवार्ड मिला है इन तीन इंडियंस का नाम भी क्वेश्चन में आ सकता है कि सर कौन से तीन इंडियंस को बोलते सर प्राइज मिला है जो कि फिक्शन के लिए दिया जाता है और प्लस आपको सिद्धार्थ मुखर्जी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है इन द एंड आई वुड लाइक टू से अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का स्टाइल में कोई भी चेंज चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाएं, बताएं। आपके कमेंट्स आर हाईली वैल्यूएबल आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी हो कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो प्लीज़ लेट अस नो थैंक यू